नहीं, अप्रॉक्सीमेटली ये हो गया आपका 4 करोड़ रुपए का। चार दिखाता हूँ पूरा 360 डिग्री व्यू, हर घर है वो कनेक्टेड है। ये यहाँ से आपको नीचे से मेट्रो जाएगी, आप खाना बनाते हुए व्यू दिखाई दे। ये आपका हॉल है नॉर्मली, ऐसा लग रहा है कि मैं एज पे हो गए, गिर ना गए। देखिए एरास्मस ब्रिज आपको दे, और बाई गॉड ये जो सामने शिप है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग टुडे। तो देखिए आज आप आए हैं रॉटरडम में, तो सोचा क्यों ना आपको उन चीज़ें वो चीज़ें दिखाते हैं जो कि मतलब काफ़ी फेमस है यहाँ पे, काफ़ी यूनिक है। अभी मैं खड़ा हूँ एग्जैक्टली जो क्यूब हाउसेज है उनके पीछे। अगर आप देख रहे हो तो इनकी जो फॉर्म है वो क्यूब की फॉर्म में है। तो क्यूब की फॉर्म में ये एक्चुअली ऐसे ही नहीं है, ये घर है प्रॉपर, यहाँ पर लोग रहते हैं, तो ये क्यूब हाउसेज है। क्यूब हाउसेज क्यों है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आने का जो साधन है वो बहुत ही आसान है। मैं खड़ा हूँ बिल्कुल मेट्रो की जो ट्रैक है उसके साथ में, और मेरे साथ में ये है रॉटरडम ब्लॉक का स्टेशन। जो भी लोग इधर उधर से आना चाहते हैं, जो मेन लाइन ट्रेन है उस स्टेशन का नाम है रॉटरडम ब्लॉक, ब्लॉक स्टेशन पर उतरिए। जैसे आप उतर के बाहर आओगे तो एग्जैक्टली आपको ये दिखाई दे जाएगा। तो हम मैं बता रहा था ये जो हाउसेज है क्यूब हाउसेज है, बेसिकली अर्बन स्पेस को रीडिज़ाइन करने के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट बनाया रॉटरडम गवर्नमेंट ने। सोचा कि क्यों ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए और एक क्यूब हाउसेज बनाए, यानी एक छोटी जगह पर आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करके उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये फुल फ्लेज घर है रो हाउस के जैसे। अब आपको अंदर जाते हैं और अंदर से दिखाते हैं एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं। वॉक इन दिस वे बेसिकली आप यहाँ से जा सकते हो, और चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्यूब हाउसेज जो कैसे दिखाई देते हैं। टेक्निकली देखे हुए एक पिलर के ऊपर ही पूरा घर खड़ा है, ये एक पिलर के ऊपर पूरा एक घर है। अब आ गए हैं यानी जो जंगल के बीचों बीच घरों का जंगल है, और आप मेरे पीछे देखोगे तो एक पिलर एक घर, एक पिलर एक घर, ऐसा करके हर घर है दैट इज़ कनेक्टेड, हर घर है देखिए दैट इज़ कनेक्टेड, हर घर कनेक्टेड है। तो आपको दिखाता हूँ पूरा 360 डिग्री व्यू, हर घर है वो कनेक्टेड है। तो ऐसे इसको शेप दी हुई है बेसिकली कि हर घर को अगर आप ट्री मानोगे तो हर एक ट्री कनेक्टेड है, एंड दैट बिकम्स अ फॉरेस्ट बेसिकली। ये है टिल्टेड हाउसेस इन रॉटरडम नेदरलैंड्स। बेसिकली 38 घर हैं ये जो टोटल हैं, और एक घर अभी रिसेंटली बिका है जिसकी कीमत है 450K, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये हो गया आपका 4 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए इंडियन उसमें घर है। तो ऑफकोर्स 3 फ्लोर का है, एरिया 100 स्क्वायर मीटर के आसपास है, लेकिन भाई साहब 4 करोड़ का घर है ये। एक घर को इन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ है, म्यूजियम में जाने की 3 यूरो पर पर्सन है। तो अंदर जाके देखते हैं कि कैसा, और आपको भी दिखाते हैं। और अब जा रहे हैं, छोटी छोटी सीढ़ियों से सब कुछ यहाँ पे स्मॉल होने वाला है। ये देखिए छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, वो ग्राउंड मान के चलो जिससे हम आए हैं। सबसे पहले सीढ़ियाँ जाने के लिए ऊपर, अरे भाई छोटी छोटी सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। इसी के लिए आगे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये ऐसे बने हुए हैं। ये थोड़ा सा एंगल है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट वॉल, थोड़ा सा एंगल है 45 डिग्री पे। और ऑफकोर्स यहाँ पे सोफ़ा है, ध्यान से बैठना पड़ेगा, पीछे गिर भी सकते हो। नहीं गिरोगे ऑफकोर्स, विंडो है, लेकिन हाँ खोल के रखोगे तो गिर जाओगे। ये देखिए विंडो है, उसके साथ में सोफ़ा है, यहाँ आप बैठ सकते हो आराम से। और ये आपको आई लेवल पे भी दिखाई देगा, यानी आई लेवल के बिलो विंडो है। सेटिंग देखना चाहो तो यहाँ बना सकते हो, आगे खाली रहेगा, टीवी लगा सकते हो यहाँ पे। ये किचन का एरिया है, यानी डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा सकते हो। बनाने के लिए वही नॉर्मल किचन है, स्टैंडर्ड शेल्फ्स हैं, वॉश बेसिन है, इनबिल्ट ये जो हॉब है, ओवन है, छोटा फ्रिज है, माइक्रोवेव है, इधर आप छोटा कुछ रख सकते हो, एक्सट्रैक्टर है, चिमनी बोल सकते हैं, और इधर सामान रखते हो, ऑफकोर्स कम सामान रख सकते हो। किचन छोटी है बट लेकिन हाँ काम चल जाएगा। अब इवन देखोगे शेल्फ भी काफ़ी बड़ी है, शेल्फ छोटी नहीं, और यहाँ बैठ के खा सकते हो आसानी से, और आप व्यू भी ले सकते हो साथ साथ में मेट्रो का। ये देखिए यहाँ से आपको नीचे से मेट्रो जाएगी, आप खाना बनाते हुए वो देख सकते हो, यहाँ से मेट्रो जाती हुई। थैंक यू। तो चलते हैं, और हाँ ये आपको देखिए, अब देखिए आप कोई नहीं यहाँ पे व्यू दिखाई देते। ये आपका हॉल है नॉर्मली, बीच में पिलर है, बट इतना आप एरिया है, वहाँ सोफ़ा टीवी, यहाँ बैठ सकते हो आराम से। चलिए चलते हैं एक और फ्लोर पे, यानी ग्राउंड फर्स्ट पे थे, अब चलते हैं सेकंड पे। ऑफकोर्स वहाँ पे बेडरूम नहीं था, तो यहाँ देखते हैं
छोटा सा एरिया बनाया हुआ है और वर्क प्लेस बनाया हुआ है, वर्क बेस पे आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हो। और वही जस्ट किचन थी नीचे, ऊपर ये है, आप यहाँ से भी मेट्रो देख सकते हो। तो ट्रैम या मेट्रो आती हुई जाएगी तो दिखाऊंगा। लिख रखा है डू नॉट टच द विंडोज, तो ऑफ कोर्स ताकि खोले ना कोई। टेबल है, अब बैठ के काम कर सकते हो आराम से। और छोटे से स्पेस को मैक्सिमाइज किया गया है, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, पूरा मतलब देख के एकदम अलग ही फीलिंग आती है। छोटा सा टेबल है, बैठ के काम करूँ, और छोटी से छोटी जगह को इन्होंने कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन में लिया हुआ है। और यहाँ से बस आप रूम से निकले, आपका बेडरूम तैयार है। स्पेशियस है बेडरूम, मैं कहूँगा फिर भी। डबल बेड है, वार्डरोब है, ये ट्रांसपेरेंट विंडो है, इधर वार्डरोब है, वार्डरोब थी। और यस, जैसा कि हम सोच रहे थे, ये है वॉशरूम, बट इसमें ऑफकोर्स वॉश बेसिन है, बाकी कुछ लगाया नहीं हुआ, बंद किया हुआ है। और अब आप जा रहे हो फाइनली यार टॉप पे, एकदम थोड़ी सी सीढ़ियाँ और एटिक पे। बाय गॉड कितनी कम जगह है भाई, झेल पाएंगे कितने उसका लोड। और ये देखिए एटिक बनाया हुआ है छोटा सा, खाली है अभी। आप यहाँ पे ये सोफे के जैसा बना हुआ है, बिल्कुल लो सीटर है। ये मेरी हाइट देखिए और प्लस में 2-3 फीट ऊपर रहेगी, सीट की शेप से है। और ऐसा लग रहा है कि मैं एज पे हो गई, गिर ना जाए, दैट काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। और ये देखिए अब कितना आपको कंजेस्टेड मिल रहा है। मैं ऐसा खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कहीं गिर ना जाऊँ, और गिरूंगा नहीं, सिर्फ एक साइकोलॉजिकली फीलिंग है दिमाग में कि यू आर स्टैंडिंग एट सच प्लेस। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ, वैसे पहले ही मैं गिर जाऊँ, वैसे स्टेबल है, कुछ नहीं होगा। और ये देखिए ये स्टार व्यू यहाँ से दिखता है, एकदम सेंटर से आके घरों के बीच से, बीचों बीच से एकदम स्टार व्यू ऑफ दिस। तो देखिए अगर आप एक पॉइंट पे टेम्पटेड भी हो जाते हैं कि यार देखने को तो मिला लेकिन रुकने को नहीं मिला, तो बेसिकली उसका भी इलाज है यहाँ पे। जस्ट मेरे पीछे भी हमें पता चला स्टे ओके करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उनके हॉस्टल्स है, उन्होंने ये रेंट पे दिया हुआ है, यानी आप इसको ऑनलाइन जाके बुक भी कर सकते हो। प्राइस नहीं पता, वो मैं अभी मेंशन कर दूंगा इंटरनेट से देख के, बट आप रुकने की फैसिलिटी भी ले सकते हो यहाँ पे। आप देख सकते हो एग्जैक्टली एक नाइट या जितना भी आप रुकना चाहो, फील करके कि भाई ये ऐसे घर में जहाँ पे मुझे तो डर लग रहा था गिर ना जाऊँ, उस घर में रहने का फीलिंग कैसा होता है, बेसिकली ओवरनाइट के लिए बुक कर सकते हो स्टे ओके हॉस्टल्स के साथ। भाई जो चीज़ आज तक नहीं देखी थी, ये देखो 3 लोग भी चेस खेल सकते हैं क्या? ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है यार, ये कैसा गेम है यार, 3 लोग चेस खेल सकते हैं एक साथ। तो दोस्तों अब देखिए पहुंच गए हैं जो रॉटरडम की दूसरी फेमस जगह है, वो है इरासमस ब्रिज बेसिकली। तो ये देखिए इरासमस ब्रिज, आपको जो ब्रिज दिखाई दे रहा है उस बिल्डिंग के सामने, वो है इरासमस ब्रिज, साथ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और ये सारी बिल्डिंग्स बनी हैं वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे डिस्ट्रॉय कर दिया था काफ़ी हिस्सा रॉटरडम का, उसके बाद ये पूरा नया बना है। तो चलिए एक व्यू देखते हैं रॉटरडम का, रॉटरडम के इरासमस ब्रिज पे जाके। अब पहुंच गए हम जो फेमस सिग्नेचर आइकन है रॉटरडम का, अपने बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स या फिर जब भी रॉटरडम को दिखा दें। अब आप ध्यान रखेंगे ये जो पीछे ब्रिज दिखाई दे रहा है, सस्पेंशन ब्रिज है, वो बेसिकली है रॉटरडम का जो आइकन है। ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर बनाया गया है और सारी बिल्डिंग्स है ये सारी की नई आर्किटेक्चर में बनाई गई है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाई गई है। साथ में रिवर है और उस तरफ जाने के लिए जो ब्रिज है वो बनाया गया है। और खास बात यह है कि इस ब्रिज से सब कुछ जाता है, पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, इस पर बाइक से जा सकते हैं, और कार्स तो ऑफकोर्स जा रही है। और जो चौथा है वो है आप यहाँ से मेट्रो, यानी जो ट्रैम है वो भी जा रही है, इसके ऊपर से ट्रैम भी जा रही है, तो ट्रैम से भी जा सकते हैं। आपको दिखाई देगी अगर कोई ट्रैम अभी आएगी तो दिखाऊंगा, पर कार और पैदल तो अभी जाके दिखाते हैं। और ये देखिए डिफरेंट बिल्डिंग एक अलग है, और इसके ऊपर इतनी बड़ी छत है भाई, और जो बालकनी में आई है ना उन्हें एक अलग व्यू दिखाई देगा। और ये है यहाँ से अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू दिखाई देता है इरासमस ब्रिज का। ये देखिए ब्रिज के ऊपर से ट्रैम जाती हुई, साथ में गाड़ी है, एक और ट्रैम जा रही है, तो यानी देखिए 2 ट्रैम का ट्रैक है बेसिकली, ये 2 लेन इधर कार की, 2 लेन उधर कार की, साइकिल जा रही है, साइकिल का ट्रैक है, साथ में ही पैदल है। तो बेसिकली वो पूरा ऐसा लग रहा है एक बार को तो भूकंप जैसा आ गया है। तो ये है रॉटरडम ब्रिज के बेसिकली ऊपर। और बाई गॉड ये जो सामने शिप है, शिप क्या है, क्रूज क्या भाई, क्या चीज़ है इतना, और इसमें 1000-2000 तो इसमें एकोमोडेशन या लोग ही आ जाएंगे। देखो इतने सारे इसमें विंडोज दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग है,
इवन जो एम्स्टर्डम में बिल्डिंग्स है वो भी इससे छोटी है, यानी बिल्डिंग्स ही कई हैं, कई फ्लोर का शिप है, क्रूज है कुछ, तो किधर से जाता आएगा। तो दोस्तों ये था बेसिकली थोड़ी बहुत अट्रैक्शन जो रॉटरडम की थी। सबसे पहले आपको दिखाया क्यूब हाउसेस हमने देखे, और उसके बाद है जो है इरास्मस ब्रिज, दोनों पास पास में ही, यानी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूर पे है, आप धीरे धीरे पैदल आ सकते हो आराम से और देख सकते हो। तो काफ़ी मजा आया दोनों जगह घूम के, यूनिक चीज़ थी क्यूब हाउसेज, और ऐसे ही यूनिक है ये रॉटरडम का जो ब्रिज है, इरास्मस ब्रिज है, साथ में इसके पूरा आपको मॉडर्न रॉटरडम दिखता है, जो नई बिल्डिंग्स है कितनी ऊँची ऊँची बनाई हुई वो दिखती है। तो ये था आज का ब्लॉग, होपफुली आपको ब्लॉग पसंद है, पसंद है तो जरूर लाइक करें, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।